स्वागत है आप सभी का ज्ञापन एकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। सो फाइनली आज का ये वीडियो आखिरी वीडियो है 12th क्लास के उर्दू के सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। जी हाँ, हम लोग का सफ़र स्टार्ट हुआ था चैप्टर वन से। चैप्टर वन का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किए थे, फिर टू, फिर थ्री, फोर करते करते आज हम लोग उस मोड़, उस मुकाम पर खड़े हुए हैं जहाँ पर हम लोग का ये सफ़र जो है ना ख़त्म होता है। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम लोग तीन चैप्टर, मतलब बचा हुआ जो तीन चैप्टर है 38, 39 और 40, यानी कि 38, 39, 40, ये तीनों चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने वाले हैं और उसके बाद से आप लोग के 12th क्लास के उर्दू के बुक का सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। आर यू एक्साइटेड? और इसके बाद से होगा 12th क्लास के उर्दू का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और वो भी नहीं तो लाइव। तो कमेंट बॉक्स में तो आप लोग पहले ही भर भर के लिख दीजिए कि येस मैम, वी आर रेडी फॉर लाइव क्लास। लाइव क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के करने के लिए तैयार हैं और उसके बाद से हम लोग का सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया है। ये आप लोग ज़रा कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा ताकि हमें भी पता चले कि आप लोगों ने सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी हर एक चैप्टर का कराया गया है वो आप लोगों ने कम्प्लीट किया है कि नहीं। ठीक है, तो आज जो हम लोग तीनों चैप्टर जो कंप्लीट करने वाले हैं, सबसे पहले तो चैप्टर नंबर 38 वो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का है, कसीदा तज़हीक रोज़गार, और 39 और 40, 40 ये दोनों चैप्टर जो है ना साहिल लुधियानवी की है। 39 जो चैप्टर है वो है साथी हाथ बढ़ाना, और 40वां चैप्टर है तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, तो ये दोनों चैप्टर जो है ना साहिल लुधियानवी जी का है। तो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा और साहिल लुधियानवी दोनों बहुत बड़े बड़े शायर हैं। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, कसीदे का बादशाह कहा जाता है इनको। अगर कसीदे में इनका नाम ना लिया जाए ना तो कसीदे की पूरी हिस्ट्री ही अधूरी है। ठीक है, और साहिल लुधियानवी जी के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, वो आप लोग एक फेमस शेर सुने होंगे कि तारुफ़ रोग बन जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक़ बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। तो ये जो शेर है ना ये साहिल लुधियानवी जी का ही है, इन्हें आप लोग हल्का में नहीं लीजिएगा। साथी हाथ बढ़ाना, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, ये दोनों गीत इन्हीं का लिखा हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। ये दोनों जो बड़े बड़े शायर हैं और इनका लिखा हुआ है, जो इनका जो चैप्टर दिया गया है उसके सारे क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए वीडियो को लाइक एंड शेयर जितना ज़्यादा हो सके, और याद रहे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए नए आए हुए हैं, हमारे वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है पहले से ही, या फिर अभी आप लोगों ने सब्सक्राइब किया तो वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके। ठीक है, तो चलिए नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गो टू स्टार्ट। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं मुख्तसर सवालात से, और सबसे पहले ये चैप्टर नंबर 38 का है, उसके बाद से 39 और 40, 40 इन दोनों का हम लोग एक साथ करेंगे। तो 38वें चैप्टर का सबसे पहला सवाल जो कि मुख्तसर सवालात यानी कि शॉर्ट टाइप में से है कि कसीदा निगारी का नक्काश अव्वल किसे कहा जाता है। तो आप लोग जानते हैं मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा को कहा जाता है, तो वही बात यहाँ पर जवाब में लिख दिया गया है कि कसीदा निगारे की तारीख में मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की शख्सियत एक दरखशिंदा सितारे की तरह है। 18वीं सदी ईस्वी में उन्होंने उर्दू कसीदा निगारी में वह कमाल हासिल किया है कि उन्हें मसफ़ी जैसे शायर ने उर्दू कसीदा गोई का नक्काश अव्वल तस्लीम किया है। सौदा की शायराना अजमत के लिए यह सबूत काफ़ी है, यानी कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा को कसीदा निगारी का नक्काश अव्वल कहा जाता है। बस यहाँ पर थोड़ा लंबा आंसर करने के लिए, दो तीन लाइन का बनाने के लिए ये स्टार्टिंग में कुछ पॉइंट जोड़ दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि कसीदे की इब्तिदा किस ज़बान में हुई थी। तो जवाब में लिखा गया है कि कसीदे की इब्तिदा सबसे पहले अरबी ज़बान में हुई थी। अरबी कसायद बहुत मुआरी हुआ करती है। एक मिनट रुक जाए। कसीदे की इब्तिदा सबसे पहले अरबी ज़बान में हुई थी, ये तो खैर आप लोगों को पता ही होगा, यानी कि कसीदे की शुरुआत अरबी ज़बान में हुई थी और अरबी कसायद बहुत मेयारी हुआ करते हैं। अरबी के असर से कसीदा निगारी फ़ारसी ज़बान में पहुंची। फ़ारसी में इस सिन्फ का इतना ज़ोर रहा कि तकरीबन तमाम अहम शुरा ने लाजमी तौर पर कसायद कहें, यानी कि अरबी से कसीदा जो है ना, कसीदे लिखने की रिवायत यानी कि कसीदा निगारी जो है ना अरबी से फ़ारसी ज़ुबान में पहुंची, और जब फ़ारसी भाषा में पहुंची ना तो तकरीबन तमाम अहम शुरा ने लाजमी तौर पर कसायद कहे, और फ़ारसी के असर से उर्दू में कसायद का चलन बढ़ा, यानी कि जितने भी शायर थे वो कसीदा लिखें फ़ारसी में, और उसके बाद से फ़ारसी से ये जो कसीदा लिखने की रिवायत है
वो उर्दू में भी चली आई और फारसी के जिन शुरा ने कसायद के लिए जो मेयार मुकर्रर किए उर्दू शायरों ने उन मेयार को तस्लीम किया और इख्तियार किया। यानी कि जिस तरीके से फारसी शुरा ने फारसी ज़बान में कसीदा लिखे उसी तरीके से उर्दू जो शायर थे उन्होंने भी उर्दू ज़बान में कसीदा लिखे। तो इस तरीके से कसीदे की इब्तदा अरबी ज़बान से हुई और अरबी से होते हुए फ़ारसी और फ़ारसी से होते हुए उर्दू ज़बान में ये पहुंची और इतना मशहूर व मकबूल हुई कि तमाम शुरा ने कसीदा लिखा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न है कि सौदा ने तकरीबन कितने कसीदे लिखे। तो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा कसीदे के बादशाह तस्लीम किए जाते हैं, ये तो आप लोगों को बताई ही मैं आप लोगों को। 18वीं सदी ईस्वी में सौदा ने अपने दिलचस्प कतायत से दिल्ली वालों के दिलों को गरमा दिया। यानी कि 18वीं सदी में जो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा है वो कसीदा इतना ज़बरदस्त लिखे ना कि दिल्ली वालों के दिलों को उन्होंने गरमा दिया। सौदा ने एक मोहतात अंदाज के मुताबिक 300 से ज़्यादा कसायद लिखे, यानी कि सौदा ने तकरीबन 300 कसीदा लिखे थे, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि फ़ारसी ज़ुबान के किन कसीदा निगारों को सौदा ने अपना नमूना बनाया है। तो फ़ारसी ज़ुबान में कई शायर ऐसे थे जो कसीदा निगारी के लिए मशहूर हैं, उनमें सिराजुद्दीन अली खां आरजू ऐसे फ़ारसी शायर थे जिनको सौदा ने अपने कसीदा निगारी का नमूना बनाया और अपने कसायद में खान आरजू की कसायद की तकलीद की। मतलब एक तरह से होता है ना गाइडलाइन फॉलो करना, किसको नमूना बनाकर जो है ना आप आगे बढ़ना चाहते हैं। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने भी सिराजुद्दीन अली खां आरजू को नमूना बनाकर उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश की, यानी कि उन्हीं के जैसे जो है ना कसीदा लिखना शुरू किए। जैसे कि एक तरह से है ना नमूना बनाया जाता है, जैसे कि मान लीजिए आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर में कोई एक डॉक्टर को आप लोग देखे होंगे जिसे जिसकी क्वालिटी को देखकर आप सोच रहे होंगे कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इसी के जैसा डॉक्टर बनना है, यानी कि आइडियल आप किसको मान रहे हैं। उसी तरीके से मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा जो हैं वो सिराजुद्दीन अली खां आरजू को आइडियल मानते थे और उन्हीं को नमूना बनाकर कसीदे लिखा करते थे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि सौदा का सबसे मशहूर हिजवी कसीदा कौन है। तो इनका सबसे मशहूर हिजवी कसीदा है तजही के रोज़गार। जवाब में लिख दिया गया है ना तजही के रोज़गार जो सौदा का ज़ेर निसाब कसीदा है। इस कसीदे का शुमार सौदा के सबसे मशहूर तरीन हिजवी कसीदा में होता है। यह कसीदा सौदा की खलाकाना तबीयत और शगुफ्तगी मिजाज की नुमाइंदगी करता है। इस शगुफ्तगी में हमें एक तलखी का एहसास होता है। यह कसीदा बज़ाहर एक घोड़े की हिजव है लेकिन दरअसल यह कसीदा उस अहद के फौजी निज़ाम को अब तरीका मरसिया है। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। अब तवील सवालात स्टार्ट हो रहा है, यानी कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जवाब में लिखा गया है। सबसे पहला सवाल है कि कसीदा की अर्जाए तरकीबी, यानी कि कसीदा में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिसके बिना कसीदे को कसीदा नहीं कहा जाए। तो देखिए जवाब में लिखा गया है कि उर्दू कसायद की अर्जाए तरकीबी वही हैं जो फारसी कसायद के रहे हैं। उर्दू कसीदा की अर्जाए तरकीबी जो अक्सर शुरा के यहाँ असूल के तौर पर मौजूद हैं वह दर्ज ज़ैल हैं। देखिए यहाँ पर 5 अर्जाए तरकीबी है, याद रखिएगा कसीदा के 5 अर्जाए तरकीबी, यानी कि ये पांचों चीज़ कसीदे में होनी चाहिए। ये पांचों चीज़ों में से अगर कोई भी एक पॉइंट मिस है ना तो उसको कसीदा नहीं कहा जाएगा। ठीक है, पहला है तशबीब, दूसरा है गुरेज़, तीसरा है मदह, चौथा है तलब और पांचवा है दुआ। ठीक है, तो आमतौर से कसीदा निगार जो है यहाँ पर देखिए, लेकिन रिवायती तौर पर इन तमाम अज्जाए के लिए अलग अलग कवानीन तय किए गए हैं। तशबीब में आम तौर से कसीदा निगार तमहीद के तौर पर कुछ अशार कहता है जिसमें बाज़ अशार मनाज़िर फितरत से मुताल्लिक होते हैं और बाज़ अशार जो है वो हुस्न व इश्क से भी मुताल्लिक होते हैं। यही वजह है कि कसीदे का यह हिस्सा आगे चलकर शायरी का एक सिंफ हो गया और गज़ल के नाम से मारूफ हो गया। यही जो कसीदा का सबसे स्टार्टिंग वाला हिस्सा जिसको हम लोग तशबीब कहते हैं यही आगे चलकर गज़ल का रूप ले लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक एक करके समझते हैं। दूसरा है गुरेज़, तशबीब के बाद से गुरेज़। तो कसीदे का यह हिस्सा अबूरी होता है, यानी कि शायर तशबीब के अशार कहते कहते अचानक मदह की तरफ चला जाता है। इसी दौरान जब कसीदा निगार मदह की अशार कहने लगता है तो इस कैफियत को गुरेज़ कहते हैं। और मदह कसीदा का यह हिस्सा नहायत अहम होता है और कसीदा का मकसद भी यही होता है कि इस हिस्से में शायर अपने ममदू की तारीफ़ करता है और उसी से मुतालिक अशार कहता है। मदह के अशार में शायर ममदू की नज़ाकत को मलहूज रखता है ताकि कोई शेर तबा नाजुक को बार गुरा ना हो। ठीक है, बार गिरा ना हो। आगे बढ़ते हैं, तलब, कसीदा के इस हिस्से में शायर अपने ममदू से खूबसूरत अंदाज में तलब करता है।
तलब के शार में शायर काफ़ी मेहनत करता है ताकि मामला कहीं उल्टा ना पड़ जाए। और लास्ट में है दुआ या कसीदा का आखिरी हिस्सा होता है जिसमें शायर अपने ममदू के इकबाल मंदी की दुआ करता है और ममदू के दुश्मनों की बर्बादी की तमन्ना का इजहार करता है। तो ये पांच हो गए, तशबीब, गुरेज, मदह, तलब और दुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा सवाल है कि सौदा की हालात ज़िंदगी पर मुख्तसर नोट लिखिए, शॉर्ट नोट लिखना है। जवाब में देखिए लिख दिया गया है, सौदा का असल नाम मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी और सौदा तखल्लुस था। उनकी तारीख़ पैदाइश के बारे में तस्करा नगारों और मुहक्किकीन के दरमियान इख्तलाफ है। करायन से पता चलता है कि उनकी पैदाइश 1713 ईस्वी में हुई होगी। सौदा के वालिद का नाम मिर्ज़ा मोहम्मद शफ़ी था जो तजारत के पेशे से ताल्लुक़ रखते थे। आबा अजदाद के बारे में ज़्यादा तफसील मालूम नहीं है, यानी कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि इनका रियल नेम और इनका तखल्लुस तो पता है लेकिन इनके पैदाइश के बारे में कि कहाँ हुई कब हुई इसमें थोड़ा इख्तलाफ पाया जाता है। लेकिन फिर भी पता चला है कि इनकी पैदाइश 1713 ईस्वी में हुई होगी। इनके वालिद का नाम मिर्ज़ा मोहम्मद शफ़ी था जो कि तजारत के पेशे से ताल्लुक़ रखते थे, ठीक है। और इनके जो बाप दादा यानी कि इनका जो ख़ानदान था उनके बारे में ज़्यादा तफसील नहीं मालूम चली है। शादी और औलाद के बारे में भी यकीन के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता है। वालिद के इंतकाल के बाद सौदा ने कुछ दिनों फ़ौज में मुलाजमत किया, फिर अपनी उम्र का बकिया हिस्सा वली के उम्र की सोबत में गुजारा। सौदा फितरतन मरदम शनास और खुशगुफ्तार थे। अपने तमाम मुरब्बी और सरपरस्तों का सौदा को कुर्बत हासिल रहता है। सौदा ने पहले फ़ारसी में शायरी किया, फिर सिराजुद्दीन अली खां आरजू के तवज्जो दिलाने पर उर्दू शायरी की तरफ मतवज्जा हुए। सौदा को मुल्कुल शोरा भी कहा गया लेकिन वह कोई दरबारी खिताब नहीं था बल्कि अहल इल्म की तरफ से लकब था। और उर्दू शायरी में शाह आलम आबरू से इस्लाह लेते थे। उन्हें मौसीकी से भी खासी दिलचस्पी थी। सौदा फितरतन जोद रंज थे लेकिन अक्सर व बेशतर अफूदर गुजर से काम लेते थे। सौदा ने शायरी में गज़ल, कसीदा, मसनवी, हिजब, सलाम व मरासी और रुबाई वगैरह इसनाफ शायरी में तबाजमाई किए थे। गज़ल के अलावा कसायद व हिजवियात में उन्होंने बड़ी शोहरत हासिल की। उर्दू कसायद के तो वह बादशाह तस्लीम किए जाते हैं। और उर्दू कसायद में सौदा का वही मुकाम था जो उर्दू गज़ल में मीर तकी मीर का था। ज़ेर निसाब कसीदा तजी के रोज़गार उनका मशहूर तरीन हिजवी कसीदा है जिसमें घोड़े के पर्दे में उन्होंने मुगलिय सल्तनत के जवाल और सियासी इंतशार की एक दिलचस्प लेकिन अबरतनाक तस्वीर कशी की है। सौदा का इंतकाल 1781 ईस्वी में लखनऊ में हुआ और आगा इमाम बाकिर के इमामबाड़े में उनको दफन किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो चैप्टर नंबर 38 का हम लोग क्वेश्चन आंसर कम्प्लीट कर चुके हैं। 38 चैप्टर कम्प्लीट हो गया। अब 39 और 40 यानी कि 39 और 40 इन दोनों चैप्टर का क्वेश्चन आंसर साथ में यहाँ पर कंप्लीट होगा। दोनों क्वेश्चन का मिक्स ये क्वेश्चन है, ठीक। मतलब दोनों चैप्टर नंबर 39 और 40, 39 और 40 दोनों चैप्टर को मिक्स करके ये क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले मुख्तसर सवालात हैं। इसमें यहाँ पर शेर दिया गया है, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, फौलादी है सीने अपने फौलादी हैं बाहें, हम चाहे तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें, साथी हाथ बढ़ाना। तो ये जो शेर है ना, इस शेर की रोशनी में यहाँ पर कुछ सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। मतलब कि इस शेर से रिलेटेड यहाँ पर कुछ सवाल पूछे गए हैं जिसका जवाब आपको देना है। देखिए सबसे पहला सवाल है कि मेहनत वाले जब कदम बढ़ाते हैं तो क्या मुमकिन हो पाता है। तो देखिए जवाब में लिख दिया गया है कि मेहनत वाले जब मिलकर कदम बढ़ाते हैं तो समंदर रास्ता छोड़ देता है और पहाड़ों का सर झुकाना मुमकिन हो जाता है, ठीक है। फौलादी है सीने अपने फौलादी है बाहें से क्या मुराद है। तो फौलादी है सीने अपने फौलादी हैं बाहें से मुराद मजदूर जफाकश और मेहनती होते हैं। फौलाद के मानी लोहा होता है, जिस तरह लोहा सख्त होता है उसी तरह मज़दूरों के बाजू और उनके सीने लोहे की तरह सख्त और जफाकश होते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कि किसके चाहने से चट्टानों में राहें पैदा हो सकती हैं। तो विजुअली बात है, मज़दूरों के चाहने से चट्टानों में राहें पैदा हो सकती हैं क्योंकि मज़दूरों के इत्तेहाद और उनकी जफाकशी कामयाबी के तमाम रुकावटों को दूर कर सकती है, इसलिए इत्तेजाद में ताकत है, ठीक है, इत्तेहाद में ताकत है। चौथा क्वेश्चन, मतलब कि यहाँ पर बोला गया है कि साथी हाथ बढ़ाना, सभी लोग जो है ना मिलकर काम करेंगे तो कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है, वो सब कुछ जो है ना सारा का सारा काम मुमकिन देखने को मिलने लगता है अगर सभी लोग एक साथ मिलकर काम करें तो। चौथा सवाल है कि इस इक्तबास की तशरीह करें और उसके मरकज़ी ख्याल को वाज़ह करें। तो यहाँ पर जो इक्तबास दिया गया है,
यहाँ पर ये जो लाइन दिया गया था इसका आप लोगों को तशरीह करना है, ठीक है। तो देखिए जवाब में लिख दिया गया है कि पेश नज़र इकतबास साहिर लुधियानवी की ज़ेर निसाब गीत से माखूज है और गीत का पहला बंद है। बंद के इन अशआर में शायर ने मिलजुल कर काम करने की तलकीन किया है। इस बंद का मरकज़ी ख्याल मजदूरों के दरमियान इत्तेहाद व इत्तफाक को फ़रोग देना है। चुनांचे शायर कहता है कि अगर हम मजदूर तबका के लोग इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहरा करें और मिलजुल कर मेहनत के साथ कदम बढ़ाएं तो समुंदर अपना रास्ता बदल दे और पहाड़ हमारे सामने सर झुकाने लगे। जफाकसी की वजह से हमारे सीने लोहे जैसे सख्त हैं और हमारे बाजू भी जो है ना वो लोहे की तरह बन चुके हैं। अगर हम इरादा कर लें तो पहाड़ के चट्टानों में भी अपने लिए रास्ता पैदा कर सकते हैं। तो ये होता है एकता की ताकत, एकता में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। अब तवील सवाल आते हैं, यानी कि फिर से यहाँ पर अशआर दे दिए गए हैं, यानी कि कुछ शेर दिए गए हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन ये तवील सवाल आते हैं यानी कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। तो वो शेर क्या है, देखिए लिखा गया है, माटी से हम लाल निकाले मोती लाए जल से, जो कुछ इस दुनिया में बना है बना हमारे बल से, कब तक मेहनत के पैरों में दौलत की जंजीरें, हाथ बढ़ाकर छीन लो अपने ख्वाबों की ताबीरें। यानी कि इस दुनिया में मांगने से कुछ मिलने वाला है नहीं, अगर जो भी तुम्हारा ख्वाहिश है जो तुम पाना चाहते हो उसे तुम्हें अपना हाथ बढ़ाकर छीन ही लेना पड़ेगा, क्योंकि मांगने से ये दुनिया देने वाली नहीं है, तुम्हें हाथ बढ़ाकर छीनना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बस इसी को आप लोगों को तशरीह कर देना है। सवाल नंबर एक पूछा गया है कि कहाँ लाल कहाँ से निकालने की बात हो रही है, ज़मीन से निकलने वाली चीज़ों को क्या कहते हैं। तो शायर इस शेर में मिट्टी से लाल निकालने की बात कह रहा है, इससे मुराद है कि ज़मीन को अपनी मेहनत से ज़रखेज़ बनाएंगे और तरह तरह की कीमती फसलें उगाएंगे। इन फसलों की कीमत लाल व जहर से कम नहीं होगी, इसलिए कि उन्हीं फसलों से लाखों भूखे इंसानों का पेट भरता है। ज़मीन से निकलने वाली चीज़ों को धात और मादिनियात कहते हैं। तो यहाँ पर जो है ना स्टार्टिंग में कहा गया है कि माटी से हम लाल निकाले मोती लाए जल से, तो माटी से लाल निकालने का मतलब कि मिट्टी में जो मजदूर है इतनी मेहनत करे मिट्टी के ऊपर कि उससे कीमती कीमती फसलें उगाए और उन फसलों की कीमत हीरे जवाहरात यानी कि लाल व जवाहरात से कम थोड़ो ना है। उन्हीं फसलों से लाखों भूखे इंसानों की पेट भरती है, इसी वजह से कहा गया है कि मिट्टी से हम लाल निकालें, यानी कि हम जितने भी मजदूर हैं एक साथ मिलजुल कर ऐसा काम करें, इतना मेहनत करें कि मिट्टी से लाल निकालें, यानी कि मिट्टी से कीमती कीमती फसलें निकालें, ठीक है। दूसरा सवाल है कि दुनिया में सब किसके बल से है, जो कुछ से मुराद क्या है, ठीक है। दुनिया में सब किसके बल से है और जो कुछ से क्या मुराद है। तो ज़ेर निसाब गीत का शायर साहिर लुधियानवी अपने पहले गीत के आखिरी बंद में यह कहना चाहते हैं कि दुनिया में जो कुछ सनाती तरक्कियां हो रही हैं वह सब हम मज़दूरों की मेहनत के नतीजे में हुआ है, इसलिए हमारे ही बल से दुनिया तरक्की कर रही है। इस मिसरे में जो कुछ से मुराद सनाती इनकलाब है जिसके नतीजे में दुनिया में इस कदर तरक्की हो रही है। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि इस दुनिया में जो भी है ना वो मज़दूरों के बल से ही है। जो भी दुनिया में तरक्कियाँ हो रही हैं, नए नए ईजाद आविष्कार हो रहे हैं, वो किसके वजह से, मज़दूरों की वजह से, क्योंकि मज़दूर मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा प्रश्न है कि मेहनत के पैरों में दौलत की जंजीरें से क्या मुराद है। तो शायर साहिर लुधियानवी ने ज़ेर निसाब गीत के आखिरी बंद में मेहनत के पैरों में दौलत की जंजीरें एक मिसरे में इस्तेमाल किया है। पूरा मिसरा इस तरह है कि कब तक मेहनत के पैरों में दौलत की जंजीरें, जिसे शायर ने एक ख़ास पस मंज़र में लिखा है वह यह है कि हिंदुस्तान में सनाती इनकलाब आ रहा था और कारखानों को जदीद मशीनी आलात से मज़ीन किया जा रहा था। नतीजा यह हुआ कि मेहनतकश मज़दूरों को अपने काम से ज़बरदस्ती सुबकदोश होना पड़ रहा था, जिससे रोज़गार के मसाइल पैदा हो रहे थे। इन हालात में मज़दूरों में मायूसी और नाउम्मीदी पैदा हो रही थी। उन्हीं मज़दूरों के बीच मुतहद होकर अपने हकूक़ के लिए लड़ने और उनका हौसला बढ़ाने के लिए साहिर ने यह गीत लिखा है और कहा है कि कब तक मेहनत के पैरों में दौलत की जंजीरें, हाथ बढ़ाकर छीन लो अपने ख्वाबों की ताबीरें, ठीक है। चौथा सवाल कि दूसरे शेर की तशरीह कीजिए और उसका मरकज़ी ख्याल वाज़े कीजिए। ये दूसरा शेर है, मतलब कि ये स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन पूछा गया है
इसका ये दूसरा शेर है कि कब तक मेहनत के पैरों में दौलत की जंजीरें, इसी का आप लोगों को तशरीह करना है और इस शेर के ज़रिए शायर क्या बताने की कोशिश किया है ये आप लोगों को लिखना है। तो देखिए जवाब में लिख दिया गया है कि पेश नज़र शेर शायर लुधियानवी के ज़ेर नसाब पहले गीत का आखिरी शेर है। इस शेर में शायर ने मज़दूरों के ख्वाबीदा जज्बात को बरअंगेख्ता करने की कोशिश की है। चुनांचे फरमाते हैं कि मज़दूरों के पाँव में यह दौलत की जंजीरें कब तक बंधी रहेंगी, इसलिए मज़दूरों को चाहिए कि अब मुतहद होकर जरात से काम लेते हुए दौलतमंदों के हाथ से अपने ख्वाबों की ताबीर ज़बरदस्ती हाथ बढ़ाकर छीन लेना चाहिए। ठीक है, पांचवा सवाल कि गीत के हवाले से बताएं कि ख्वाबों की ताबीर कैसे मिल सकती है। तो ख्वाबों की ताबीर मिलने का तरीका साहिर लुधियानवी ने ज़ेर निसाब गीत में बताया है। चुनांचे ज़ेर निसाब पहले गीत के आखिरी मिसरे में शायर कहता है कि हाथ बढ़ाकर छीन लो अपने ख्वाबों की ताबीरें, यानी आज का दौर ऐसा है कि किसी का हक बग़ैर मांगे तो खैर मिलता ही नहीं है, बल्कि शराफत के साथ मांगने से भी नहीं मिलता है। शायर के ख्याल में अपने ख्वाबों की ताबीर अगर हासिल करना है, अपने ज़िंदगी के मंजिल तक पहुंचना है, तो खुद हाथ बढ़ाकर ज़बरदस्ती छीन लेने से ख्वाबों की ताबीर मिल सकती है। इसी ख्याल को शायर मशरिक से डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने यूँ बयान किया है कि यह बज़्म में है या कोताह दस्ती में है महरूमी, जो बढ़ के खुद उठा ले हाथ से मैना उसी का है। तो फाइनली आज के इस वीडियो में क्लास ट्वेल्थ के उर्दू के सब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये जो जर्नी है यानी कि सफ़र वो ख़त्म होता है। सारा का सारा क्वेश्चन आंसर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ट्वेल्थ क्लास के उर्दू के बुक का सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हम लोग अपनी मंजिल को हासिल कर चुके हैं। 40 का 40 चैप्टर जो है ना उसका एनालिसिस हो चुका है, यानी कि हर एक क्वेश्चन का आंसर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है ना, तो कैसा लग रहा है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा। थोड़ा हल्का आप लोग महसूस कर रहे होंगे कि चलिए चैप्टर 1 से हमारा ये जर्नी स्टार्ट हुआ था और 40 चैप्टर यानी कि आज कंप्लीट हो गया। ठीक है, और जो कुछ भी आप लोगों को समझाया गया आज के इस वीडियो में समझ में आया और वीडियो अच्छा लगा है तो अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दे, लाइक करके ही जाए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दे फटाफट, ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके। चैनल पर अगर आप लोग नए नए आए हुए हैं, हमारे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।